हाँ तो भाई, फाइनली BGMI को लेकर काफी बड़ी बड़ी न्यूज आई है, जिसको देखकर और सुनकर आप चैन की सांस लोगे, क्योंकि हमें काफी बड़ी न्यूज चैनल साथ में ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ की तरफ से हमें BGMI के अनबैन की न्यूज देखने को मिली है। और साथ में जो हमें रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज देखने को मिल रही थी कि 18 जनवरी को क्या हमें BGMI का कोई न्यू अर्ली एक्सेस देखने को मिलेगा, प्री रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, क्या न्यू सीजन वगैरह आएंगे, सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। भाई वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना बोले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ओके, देन हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ओके, तो BGMI से रिलेटेड या BGMI की कोई गुड न्यूज से रिलेटेड कुछ भी बताने से पहले मैं आपको BGMI के न्यू सीजन या फिर न्यू अपडेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। भाई ये तो आप सभी को पता ही होगा कि भाई BGMI के अंदर जो अभी करंटली सीजन चल रहा है वो 18 तारीख यानी कि 18 जनवरी को एंड होने वाला था, लेकिन आज से कुछ 3 दिन पहले हमें BGMI में एक 0.1 MB के आसपास का अपडेट देखने को मिला था। एंड उस अपडेट आने के बाद BGMI में जो न्यू सीजन आने की जो डेट है वो थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई थी। एंड अभी के हिसाब से BGMI में जो न्यू सीजन या फिर साइकिल वगैरह आएंगी वो 21 मार्च के दिन आएगी, लेकिन इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि अगर आप आज के दिन BGMI को ओपन करके देखोगे वहां पर जो सीजन स्टार्टिंग की डेट है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, 19/7/2022 हो गई है, यानी कि वहां पर अभी 19 जुलाई शो हो रहा है BGMI में, लेकिन ये शायद मेरे हिसाब से कोई ग्लिच की वजह से शो हो रहा है। तो मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि जो सीजन एंड की डेट है 21 मार्च वो भी शायद कोई ग्लिच की वजह से शो हो रही हो, लेकिन क्या आपको 18 तारीख को कोई अपडेट देखने को मिलेगा, न्यू सीजन वगैरह आएंगे BGMI में, वो हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कल के दिन एंड हुए BGMI में 2 इवेंट्स के बारे में, देन उसके बाद हम बात करेंगे BGMI से रिलेटेड गुड न्यूज के बारे में। कल के दिन BGMI में हमें 2 पर्टिकुलर इवेंट्स देखने को मिले हैं। जो पहला इवेंट है वो चलने वाला है 16 जनवरी से 30 जनवरी तक। अब इस इवेंट का नाम है इट्स टीडीएम टाइम। अब नाम से आप सभी को पता लग गया कि एक टीडीएम वाला इवेंट है। तो बेसिकली इस इवेंट के अंदर आपको डेली बेसिस पे अपने टीममेट के साथ टीडीएम मैच कंप्लीट करना है। अगर आप डेली 3 TDM मैच अपने फ्रेंड्स के साथ कंप्लीट करोगे तो आपको डेली बेसिस पे 4 सप्लाई स्क्रैप देखने को मिल जाएंगे। बाकी बात करते हमारे सेकंड इवेंट के बारे में, जो कि लॉगिन एंड विन वाला इवेंट, जो कि चलने वाला है 16 जनवरी से 27 फरवरी तक। तो इस मिशन के अंदर भी आपको डेली बेसिस पे लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे अगर आप डेली तो आपको सप्लाई स्क्रैप देखने को मिल जाएंगे। अब देखो कुछ होना हो, लेकिन BGMI में अभी के टाइम पे भी इवेंट्स वगैरह हमें देखने को मिल रहे हैं, एक साथ दो दो इवेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसको देख के लगता है कि भाई BGMI वाले अभी भी एक्टिव है और वो चाहते हैं कि भाई BGMI के जो भी प्लेयर्स है जो गेम्स वगैरह खेलते हैं वो अभी भी एक्टिव रहे, एंड जब भी उनका न्यू गेम आए या फिर यही गेम अनबैन हो जाए तो उनको ज्यादा प्लेयर्स का नुकसान नहीं हो। बाकी क्या आप ये दोनों इवेंट्स को कंप्लीट कर रहे हो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। बाकी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। काफी बड़े न्यूज चैनल है जिन्होंने रिसेंटली BGMI के अनबैन को लेकर काफी बड़ा एक आर्टिकल निकाला है, एंड उस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर हमें देखने को मिला है कि भाई BGMI इस महीने यानी कि जनवरी में ही कमबैक कर सकता है। अब वो जो आर्टिकल है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि क्या इस टाइम आपको BGMI के अंदर कोई इन गेम अपडेट शो हो रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको BGMI के अंदर इन गेम अपडेट शो हो रहा है, और अभी के टाइम भी केवल एक दो प्लेयर्स को ही नहीं, काफी ज्यादा प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको ये अपडेट शो हो रहा है इन गेम। अपडेट वगैरह के साथ कई प्लेयर्स को RP वगैरह भी शो हो रहा है, यानी कि वेटिंग एरिया में कई प्लेयर्स के RP वगैरह शो हो रही है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि भाई ये चीजें तो शो हो रही है, लेकिन किसी ग्लिच की वजह से कई प्लेयर्स को ये शो हो रही है। BGMI ने कोई भी अपडेट या फिर RP वगैरह को अनलॉक नहीं किया, BGMI के अंदर किसी ग्लिच की वजह से शो हो रही है। आप में से ही कुछ लोगों ने मुझे सबमिट करा था, तो मैंने सोचा आप सभी को इन्फॉर्म कर दूं। क्योंकि आपको अभी तक कोई भी अपडेट वगैरह शो हुआ है इन गेम या फिर प्ले स्टोर पर, अगर ऐसा हुआ है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो रिसेंटली काफी बड़ा न्यूज चैनल है जिसका नाम है टाइम्स नाउ। इन्होंने रिसेंटली BGMI के अनबैन न्यूज को लेकर एक काफी बड़ा आर्टिकल रिलीज किया है। अब इस आर्टिकल को आप पोस्ट करके पढ़ सकते हो, साथ में इस आर्टिकल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब इसके अंदर क्या लिखा है वो मैं आपको समरी करके बता देता हूं। तो बेसिकली इस आर्टिकल में लिखा है कि भाई BGMI जो कि जुलाई 2022 में बैन हुआ था वो जनवरी 2023 के अंदर प्ले स्टोर और साथ में एप स्टोर पे अनबैन हो सकता है, हमें देखने को मिल सकता है, और ऐसा होने की भी काफी ज्यादा चांसेस है कि BGMI इसी मंथ अनबैन हो जाए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि भाई BGMI का कमबैक थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, उसका रीजन भी मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर बताया था। तो अगर आपने लास्ट वाली वीडियो चेकआउट नहीं करी तो भाई कर लेना, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हाँ सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। ओके, तो ये आर्टिकल वाली मैंने बात आपको बता दी। बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। एक ई स्पोर्ट्स कंपनी के सीईओ है जो कि यश भानुशाली, तो इन्होंने रिसेंटली ट्विटर पे एक ट्वीट किया है, एंड वहां पे लिखा है कि भाई ग्रेट न्यूज कमिंग फॉर द ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी, गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग टू रेगुलेट ई स्पोर्ट्स, एंड इसके बाद लिखा है ग्रेट न्यूज कमिंग सून, वेलकम बैक फ्री फायर एंड BGMI। तो भाई इनके हिसाब से तो फ्री फायर और BGMI दोनों ही कमबैक करने वाले हैं, लेकिन हमें BGMI से ही मतलब है, फ्री फायर से हमें मतलब नहीं है, हमारे लिए तो BGMI आ जाए वही काफी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई ये एक ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के ओनर है, तो शायद ये फेक न्यूज नहीं देंगे, इनको कोई इंटरनल न्यूज पता हो सकती है। बाकी देखते कि भाई क्या इस मंथ हमें BGMI देखने को मिलता है कि नहीं, होप तो हम करते कि भाई BGMI इस मंथ हमें देखने को मिल जाए। बाकी कल यानी कि 18 जनवरी को कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो भाई मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। हाँ, ये बात ध्यान रखने की भाई हो सकता है कि BGMI की इस मंथ हमें कोई ऑफिशियल न्यूज देखने को मिले, देन उसके अगले महीने में BGMI अनबैन होता हुआ दिख जाए। तो इससे रिलेटेड मुझे कोई भी अगर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, और हाँ अगर मुझे कोई भी छोटी मोटी अपडेट सबसे पहले मिलती है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरी के थ्रू बता देता हूँ, तो भाई आप मुझे वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हो। और हाँ, वीडियो यहाँ तक देखने वालों कमेंट सेक्शन में एक बार BGMI और हरा दिल साथ में लिख देना, और वीडियो का लाइक है मैं 300 तो होप आप सभी कंप्लीट करवा दो, लाइक जरूर से कर देना।
सब्सक्राइब नहीं करे तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके देन मैं मिलूंगा नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।